गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद आदिकाल से गंगोत्री के रावल द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश यात्रा निकाली जाती थी। इस यात्रा को पुनः गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज द्वारा शुरू किया गया। 23वीं जल कलश यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे। इस मसले पर पेश है आफरीन बानो की खास रिपोर्ट। आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है कि गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद वहां से कलश में जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज उसी परंपरा के तहत गंगोत्री धाम के रावल निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज ने भव्य स्वागत किया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज का कहना है कि ये अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। नेपाल और उत्तराखंड का संबंध रोटी बेटी का है। नेपाल की बेटी की शादी टिहरी के राजा से हुई थी। इनका कहना है कि आदिकाल से गंगोत्री के रावल नेपाल में गंगा कलश यात्रा को पैदल लेकर जाया करते थे, किसी कारणवश यात्रा बंद हो गई, मगर मेरे रावल बनने के बाद से आज 23वीं जल कलश यात्रा नेपाल जा रही है। पूर्व काल से चली आ रही परंपरा है। उत्तराखंड और नेपाल का रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, युगों से है कि वहाँ की बेटी और उत्तराखंड में टिहरी महाराजा के यहाँ ब्याही जाती थी, तो तब से हम लोग ये कहते हैं कि ये रोटी बेटी का नाता है। रही बात गंगा कलश यात्रा की, ये गंगा कलश यात्रा बहुत युगों पुरानी है कि रावल जी गंगोत्री धाम से पैदल पहले जल लेके जाया करते थे तिब्बत से होते हुए काठमांडू, और वहाँ के जो महाराजा 3 सरकार फिर बाद में महाराजा 5 सरकार हुई जो इसको स्वागत के लिए 30-40 किलोमीटर आ जाते थे बॉर्डर पे और फिर बिगुई बना के वहाँ लेके जाते थे। किन्हीं कारणोंवश से जो हमारे पास अंतिम रहा कि जो पूज्य रावल जी रहे उन्होंने महाराजा टिहरी को जल पूछाया, उन्होंने नेपाल जाने में असमर्थता जताई, तो वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद ये यात्रा किन्हीं कारणों से बाधित हो गई थी। 2000 से जब हम आए पीठ पे तो भगवान गंगा जी की और भगवान पशुपतिनाथ की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमने इसको पुनराजीवित किया और आज 23वां कलश जो विश्व का सबसे बड़ा कलश बनकर तैयार हुआ है, जो गंगोत्री धाम से चलकर अपने दूसरे पड़ाव हरिद्वार माँ मनसा चरण पादुका पर, जहाँ पर अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी द्वारा भगवती गंगा जी का स्वागत, और आज उन्हीं के द्वारा हम अपने अगले पड़ाव बरेली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि गंगोत्री धाम से चलकर आज कलश यात्रा हरिद्वार पहुंची। इस साल की यात्रा दिव्य और भव्य है, क्योंकि इस कलश में गंगा जल भरकर पशुपतिनाथ मंदिर में अभिषेक करने ले जाया जा रहा है। रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन करने के साथ ही नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शिव का पूजन करने का काफी महत्व है, क्योंकि पांडवों को कुल के लोगों की हत्या का पाप लगा था, तब पांडव केदारनाथ आए थे, मगर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और बैल के रूप में छुपाने लगे। उनका सर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में विराजमान हुआ और धड़ केदारनाथ के रूप में। कहा जाता है केदारनाथ की पूजा तभी सफल होती है जब पशुपतिनाथ में भगवान शिव की आराधना की जाए। आज भागीरथी गंगा की जो हमारा कलश यात्रा जो हर साल निकलता है, आज भी जो है यात्रा यहाँ पहुँची है, और इस साल जो है यात्रा बहुत दिव्य और भव्य है, वो इसलिए कि समय जो है 1100 लीटर का कलश है। पिछली बार जब यात्रा हमारे महाराज श्री लेकर चलते थे तब हमारे पास छोटा सा ये कलश होता था, और महाराज श्री ने अपने प्रयास से बहुत बड़ा कलश बनाया है जिसमें 1100 लीटर गंगा जी है, और ये कलश यहाँ से पशुपतिनाथ महादेव नेपाल में जाएगा और नेपाल में जो बाबा पशुपतिनाथ है उनका अभिषेक होगा। हमारे केदारनाथ भगवान है जो ज्योतिर्लिंग है। जब उस समय क्या हुआ था, जब पांडव वहाँ आ गए थे, जब पांडव ने अपना युद्ध जीत लिया था उसके बाद उन पर हत्या लगी थी, वो केदारनाथ में आए, तो केदारनाथ बाबा ने उनको दर्शन देना उचित नहीं समझा। उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि भाई देखो जो ये बाबा है, बाबा सांड के रूप में यहाँ निकलेगा, बैल के रूप में निकलेगा, तो अब इनको कैसे पहचाने, वहाँ कहीं बैल थे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, भाई भीम तू ये काम कर ले, एक पाँव उस पहाड़ पर एक पाँव इस पहाड़ पर रख ले, क्योंकि भगवान जो शंकर है वो तेरे नीचे से नहीं निकलेंगे, वो साइड से निकलेंगे, इसलिए उनको पकड़ लेना। तो क्या होता है कि जब भगवान शंकर जो है सांड के रूप में आ गए, तो उस समय जो है भीम ने उनको पहचान लिया और उनको पकड़ लिया, और पकड़ते ही क्या होता है कि जो सर जो है वो नेपाल में चला गया, नेपाल
निकाला और यहाँ पे पीठ आ गई। इसीलिए जो ज्योतिर्लिंग की जो हमारा अभिषेक है, पूजा है, वो तभी सफल हो जाती है जब हम नेपाल भी जाते हैं, क्योंकि नेपाल जो है वहाँ बाबा का जो है मुख है, इसीलिए यात्रा जो यहाँ से नेपाल जाती है। अनादिकाल से गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल से भरा कलश लेकर जाया जाता है। कुछ समय पहले इस परंपरा को किसी कारणवश बंद कर दिया गया था, मगर एक बार फिर से सनातन धर्म को एक करने वाली ये परंपरा 23 साल पहले शुरू की गई थी और आज इसे परंपरा को निभाने के लिए गंगोत्री के रावल गंगा जल लेकर निरंजनी अखाड़े पहुंचे। इसको लेकर तमाम साधु संतों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।